सर मेरा ना एक क्वेश्चन है बीइंग अ मदर कि जब बच्चे को चोट लगती है जो कि बहुत छोटी चोट है माइनर चोट है तो उसमें हमने बच्चे को कितना अटेंड करना है। एक बात बहुत अच्छी कही जब आपने क्वेश्चन पूछा उसने एक आपने आंसर दे दिया कि बहुत छोटी चोट लगी है। इट मींस जो अडल्ट हैं पेरेंट हैं मम्मी पापा हैं बच्चे को चोट लगी है तो उनको पता है कि ये चोट डेंजरस है या कम डेंजरस है। ठीक है। दूसरी बात कि जब पेरेंट को मदर को आपको ये पता चल गया कि चोट इतनी सी है। ठीक है। अगर आपने इतनी चोट पर इमोशनल सपोर्ट इतनी ज्यादा दे दी है इसका मतलब है अगर इतनी चोट थी तो जितनी ज्यादा सपोर्ट दे दीगी ये आपने उसका नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि अब जब भविष्य में उसके इतनी चोट लगती है तो वो इतनी सपोर्ट की डिमांड करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मदर या फादर जहां जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता था वो उसके साथ होगा। ठीक। तो होना क्या चाहिए कि बच्चे को जितनी चोट लगी है उतनी जहां उससे कम सपोर्ट देनी चाहिए। आप ये जानते हो कि डेंजरस नहीं है कुछ नहीं होगा तो आप जीरो सपोर्ट भी दे सकते हो जो है वर्बल सपोर्ट भी दे सकते हो। बेटा कुछ नहीं हुआ सब कुछ ठीक है आप उठ सकते हो आप चल सकते हो मम्मा काम कर रहे हैं आप अपना काम करो। तो दूसरा ये है कि आपके एक्शन मैच करने चाहिए कि आप एक्शन में अपना काम करते रहो ये सबसे बड़ी बात है। बच्चा मान लीजिए यहां पर कोई टॉय पड़ा है उस पर हिट हुआ और गिर पड़ा और थोड़ा सा रोया आप भागे गए एकदम तो ये एक्शन रॉन्ग हो गया। बेशक आप वर्बली पहले वाले शब्द बोलते रहो कि सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है आप भाग के ही ना जाओ अटेंडिंग बेटा ठीक है उठो मैं अपना काम कर रही हूं। तो वो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है कि जिंदगी में जब भी दुख आएगा तो उसने ऐसे दुख खुद सॉल्व करने हैं ये वाली डेवलपमेंट वहां से शुरू हो जाएगी।